अब हम बात करेंगे किसकी, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन के टोटल तीन आइसोटॉप होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम, एक होता है ट्रिटियम, ये तो जानते हो। क्या डिफरेंस होता है इनमें जरा हम चेक करें, तो यहां पर हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप है प्रोटियम जो होता है H11, तो ड्यूटीरियम का क्या होता है H12 और ट्रिटियम का क्या होता है H13। क्या डिफरेंस है इनमें, यहां पर जरा आप चेक करो इनका मास नंबर, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस हिसाब से इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी आप लोगों को यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलो इनकी थोड़ी सिमिलैरिटी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आपको देखो यहां पर अगर आप प्रोटियम की बात करो तो इसके पास एक प्रोटोन होता है, जबकि ड्यूटीरियम की बात करो तो इसके पास एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन भी होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हो, देखो इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होते हैं एक एक। और अगर हम लोग बात करें ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन होता है जबकि न्यूट्रॉन इसके पास दो दो होते हैं। तो यहां पर कंपैरिजन करने का सीन क्या है, यहां पर कंपैरिजन करने का सीन है न्यूट्रॉन। प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम के पास एक न्यूट्रॉन, ट्रिटियम के पास दो दो न्यूट्रॉन। तो जरा आप चेक करो यहां पर न्यूट्रॉन का खेल है सारा का सारा। और क्या खास बात है, और क्या डिफरेंस है, तो चलो कंपैरिजन करके बता देता हूं। जरा आप चेक करना हम लोग यहां पर क्या क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, मैं यहां पर प्रॉपर्टी लिखूंगा, यहां प्रोटियम के बारे में बताऊंगा, यहां ड्यूटीरियम के बारे में बताऊंगा, यहां ट्रिटियम के बारे में बताऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे पहले प्रोटियम, प्रोटियम यहां पर जरा चेक करो, थोड़ा कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि भात भात के कलर लिए हुए हैं। तो प्रोटियम यानी कि H11 की बात कर रहा हूं, ड्यूटीरियम यानी कि H12 की बात कर रहा हूं और ट्रिटियम यानी कि H13 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले रिलेटिव अबंडेंस को चेक करो, कौन कितना पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर प्रोटियम ही पाया जाता है। अगर आप प्रोटियम की बात करो तो प्रोटियम की जो अबंडेंस है, जो क्वांटिटी है, वो 99.985 है सबसे ज्यादा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम। अगर ड्यूटीरियम की बात करो तो ड्यूटीरियम की जो यहां पर अबंडेंस है वो है 0.015, बहुत ही कम है बेटा, दैट्स वेरी लेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ड्यूटीरियम बहुत ही कम पाया जाता है। ट्रिटियम की बात करो तो वो तो हद ही है, मतलब वो तो ना के बराबर है, ट्रेसिस के अंदर पाया जाता है, तो बहुत कम है। ट्रिटियम की मात्रा काफी कम है, मतलब ना के बराबर, ये तो अबंडेंस हो गई। अब दूसरी चीज है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है जरा हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो भैया हाइड्रोजन यानी प्रोटियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 होता है, 1.007825। ड्यूटीरियम का थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूट्रॉन भी देखने को मिलता है, तो वो होगा 2.0। यहां पर इसका ऐसा मान लो कि इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है, ठीक है, इसका 3.016, मतलब 1, 2, 3 बोल सकते हो approximately, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। Are you getting my point? और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिव स्टेबिलिटी। प्रोटियम रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोटियम इज नॉन रेडियो एक्टिव, ड्यूटीरियम इज ऑल्सो नॉन रेडियो एक्टिव, बट ट्रिटियम कैसा होता है, ट्रिटियम बेसिकली रेडियो एक्टिव होता है, तो ट्रिटियम यहां पर रेडियो एक्टिव होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्रिटियम इज बेसिकली रेडियो एक्टिव। आर यू गेटिंग माई